दोस्तों नमस्कार सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों इस टाइम पे दोपहर का टाइम था और जो है हमारा घर का सारा काम हो चुके थे और मैं अपने बरंदे की पुताई कर रही हूँ दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आज जो है क्या ही बताएं, खुशी का माहौल बोलें या फिर दुखी का माहौल बोलें समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को मैं अगर पहले ही बताई थी ना कि हमारे यहाँ जो है राशन ख़त्म हो गए हैं, तो मांग करके लाया हुआ था मैंने खाने के लिए, तो एक बार फिर से खरीद करके लाए थे थोड़ा सा, उसके बाद में नहीं लाए थे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग्स के एंड तक। और जो है आज की सारी ब्लॉग मैं दिखाऊंगी दोपहर से लेकर के शाम तक की। तो पहले बरंदे की पुताई कर लेती हूँ। और मेरा बरंदा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है और देख सकते हैं पूरा जो है ख़राब हो गया है बारिश की वजह से दोस्तों। इसको ना अभी जब क्या बोलते हैं बारिश छूटेगी तो फिर इसको छबाई करना पड़ेगा अच्छे से रिपेयरिंग। और देख सकते हैं पूरा पिलर के किनारे किनारे एकदम गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं बारिश की वजह से थोड़ा सा कैसे हो जाता है, उसके बाद में ना मुर्गियां उसको थोड़ी सी अपने पैर से ओसिच कर देते हैं और किनारे किनारे का भी वैसी कर देती है। देखती हूँ तब तो हटा देती हूँ, नहीं तो फिर वैसे ही करते रहती है मुर्गियां। पता नहीं कुछ कुछ खोजते हैं क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं ना उसको, तो इसीलिए वो मतलब खोद देती हैं अपने पैरों से। देख रहे हैं पूरा जो है काई बैठ गया है बारिश की वजह से, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं हमारे बरंदे। इसमें ना बैठने उठने का भी मन नहीं लगता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना सीलन हो गया है। दीवार साइड का तो सूखे हैं बट इधर का जो है सीलन हो गया है। तो आप लोग थोड़ी सी नेचुरल वॉइस की भी आनंद लीजिए। और आज जो है थोड़ी सी नेचुरल वॉइस में हम दोनों माँ बेटी की आवाज़ें बातें करने की सुनाई देगी क्योंकि आज हमारी छोटी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और हमसे बार बार उसको मांग रही थी, हमें लिपाई करने नहीं दे रही थी। तो हमारा फर्स्ट बरंदा लिपाई हो चुका था और मैं सेकेंड बरंदे की लिपाई करने आ रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना आप लोगों को दिखाई थी मैं दो दिन पहले, कल वाले से पहले वाली ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुए थे और यहाँ का ना मैं उस दिन लिपाई करी थी जिस दिन हम लोग क्या बोलते हैं गणेश विसर्जन किए थे उस दिन। लेकिन सुबह ना बहुत जल्दी करी थी तो आप लोगों को नहीं दिखाई थी क्योंकि उस दिन थोड़ा सा बूंदाबांदी बारिश हो रहे थे। तो सुबह सुबह बहुत बड़े सुबह लिपाई की थी तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई थी दोस्तों। और जो है बारिश आने के बाद फिर से कैसे हो गए तो फिर से इसको लिपाई कर दे रही हूँ। थोड़ा सा धूप निकल रहा है अभी तो अच्छा लग रहा है ना, बैठने का मन करता है बाहर के चूल्हे पे।
खाना सब्जी पकाऊं ऐसे लगता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता जब गंदा रहता है तब। और आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया कीजिएगा। यहाँ पे ना हमारी छोटी काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान कर रही थी दोस्तों, आप लोगों को बता रही थी ना कि आज मैं क्या ही बताऊँ, कह रही थी कुछ दुख भी है और कुछ वो चीज़ भी है। तो हमारे घर पे ना खाना नहीं थे, तो हमारी छोटी बार बार मुझसे खाना मांग रही थी, और आज ना मैं भी सुबह से नहीं खाई थी और जो है चावल ही ख़त्म हो गए थे, तो मैं मांगने के लिए नहीं गई थी। उसके पापा जी लेने के लिए गए थे बट आए नहीं थे, सुबह के गए हुए वो भी, तो उनको इंतज़ार कर रहे थे हम। सुबह का जलाया हुआ आग हमारा बुझ गया और केला पके थे, तो केला को हम लोगों ने खा लिए थे माँ बेटी मिलकर, दो तीन, ज़्यादा नहीं पके हैं क्योंकि इसमें कुछ भी केमिकल नहीं मिलाए हैं ना कुछ भी नहीं। तो उस दिन ज़्यादा पका था जिस दिन गणेश विसर्जन था उस दिन, और जो है उसके बाद में तो थोड़ा थोड़ा पक रहे हैं, किसी दिन चार, किसी दिन पाँच, किसी दिन दो, किसी दिन तीन, ऐसे खुद से पक रहा है पकने के लिए, तो लेकिन कम ही पके थे तो उसी को हम लोग खा लिए हैं और उसके पापा जी के लिए दो रख दिए हैं। पता नहीं चावल कुटाएगा भी नहीं, लेके आएंगे भी नहीं, इसलिए रख दिए हैं। तो फिर देखते हैं कितने देर तक आते हैं। और हमारी छोटी जो है ना वो बार बार कह रही है कि हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए, उसको कुछ भी दीजिए वो मतलब नहीं रहती जब तक खाना नहीं खाती। जैसे मैं रोटी से पेट ही नहीं भरता क्योंकि आदत नहीं है हम लोगों का, हमेशा जो है ना क्या बोलते हैं हम लोग चावल ही खाया करते हैं, इसीलिए कुछ भी खाते हैं ना तो पेट ही नहीं भरता है, तो वैसे ही। और यहाँ पर ना क्या बोलते हैं उस दिन आग जलाए थे हम लोग एक दिन पहले, तो फिर नहीं लिपाई करी थी यहाँ पास का, तो राख भी वैसे ही है ये था, तो फिर अभी मैं लिपाई कर दे रही हूँ चूल्हे को भी। तो बने रहिए दोस्तों और आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे लग रहे थे लिपाई करते हुए, लेकिन जो क्या बोलते हैं जो काई बैठा हुआ है ना हरा हरा, वो बहुत ज़्यादा फिसलन लग रहे थे जब लिपाई कर रही थी उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा। जब छपाई करूँगी तो अच्छा हो जाएगा। हमारा पिलर को भी देख रहे हैं कितना ज़्यादा काई बैठ गया है, एकदम पूरा जो है ना हरा हरा दिखाई दे रहा है, और पूरे आंगन में काई बैठा हुआ है पूरा, जो है जितना पानी हमारा मर जाता है ना वो सारा का सारा जो है काई बैठे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा साफ़ करने के लिए, जब पानी छोड़ देगी ना तब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए। तो हमारा ये बरंदा भी लिपाई करके मैं कंप्लीट करने वाली हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है। और जैसे जैसे हमारा बरंदा का लिपाई कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी छोटी जो है ना और ज़्यादा परेशान कर रही थी कि हमें चाहिए तो चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हल्ला करने लगी थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा बरंदे का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से लग रहा है लिपाई करने के बाद। लिपाई करने के बाद थोड़ी सी अच्छा लगता है, उसके बाद में फिर से वैसे ही हो जाता है, थोड़ी देर बारिश होती है तब। और इधर का देखिए दोनों साइड का मैंने लिपाई कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी लिपाई बताइएगा। और हमारी छोटी ना रोना स्टार्ट कर दी थी दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा सुना रही हूँ। जब मैं इसको चुप करा रही थी ना तो मुझे ही मार रही थी कि मम्मी खाना दो ऐसे करके, और उसको ना मेरे पास था 10 रुपये पैसा, उसको भी दे दी थी कि बेटी लो लेकिन चुप रहो आएंगे तुम्हारे पापा तो अभी फिर खाना पकाऊंगी तो दूंगी ऐसे करके, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं, बहुत ज़्यादा रो रही थी दोस्तों। देख करके हमें भी ना काफ़ी ज़्यादा रोने का मन कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, मैं ऐसे लग रहे थे जैसे कि पैदा तो कर लिए लेकिन पेट नहीं भर पा रहे हैं जैसे लग रहा था। तो दोस्तों आप लोग ना जितना हो सके हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देख रहे हैं हमारी छोटी कैसे रो रही है, और हमें बहुत ज़्यादा मार रही थी आज।
उसके बाद ना कुछ ही देर बाद जो है हमारे हस्बैंड जी आ गए थे चावल लेकर के, देख रहे हैं। और छोटी को उतने देर तक मैंने इसको चुप करा करके नहला धुला करके घर पे रख दी थी उसको अच्छे से। और जो है हम लोग ना नहीं आ रहे हैं सोच करके गए थे पड़ोसी पे चावल मांगने थोड़ा सा, तो फिर ले आए थे। और आग भी मैं जलाई हुई थी पकाने के लिए, तो उतने देर तक आ गए थे। बस थोड़ा सा ही चावल मांगे थे हम लोग, ज़्यादा नहीं मांगे थे आज कि दे दीजिए इतना कह करके, तो फिर ले आए हैं अभी दोस्तों। और वो भी पूरे दिन आज भूखे रह गए हैं, दोपहर के टाइम हो गए समझ सकते हैं आप लोग, तो फिर अभी लाए हुए हैं। तो आज ना पूरे महीने के लिए ले आए हैं दोस्तों चावल, देख सकते हैं। और हम लोग मांग करके लाए थे ना जो चावल, उसको भी मैंने इसी डब्बे में डाल दी हूँ। ये देखिए थोड़ा सा बस लाई थी, तो अभी मैं पकाती अगर नहीं आते तो, बट आ गए तो फिर इसी में डालने को कह दे रही हूँ सारा को। और अभी दोस्तों मैं पकाऊंगी खाना और हमारी छोटी को पेट भर के खिलाऊंगी। काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे नहीं लग रहे थे आज, क्योंकि हमारी छोटी को देख करके कि इसको भूखे हम लोग रख रहे हैं ऐसे, घर पे धान रहते हुए भी भूखे इसको रहना पड़ रहा है। उसके पापा जी ना उस बार लेकर के आए थे जब ख़त्म हुआ था, उस बार खरीद करके तो थोड़े दिन के लिए ही चला था और मांग करके लाए थे वो वाला, उसके बाद ख़त्म हो गया था, फिर से अभी लेकर के आए हैं। तो ये तो एक मंथ से ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि हम लोग दो ही तीन ही लोग हैं। तो देखिए इसमें भर दिए हैं पूरा और इसको ढक देंगे। और ये हो चुकी थी दोस्तों शाम के टाइम पे, तो देख सकते हैं शाम के टाइम पे कितना ज़्यादा हमारे घर पे चींटी घुस आए हैं। जो है वो खोद दिया है, इस पार से उस पार पार कर दिया है। मैं कितना भी बंद करूँ, मत मारो नहीं तो काटने लगेगा छोटी। इधर देखिए कितना ज़्यादा है बाबा, देख रहे हैं पूरा उधर तक है। हम लोग सोते ना वहां तक चला गया है, समझ नहीं आ रहा है आज क्या करें हम लोग। लग रहा है दूसरे जगह हम लोगों का बिस्तर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो देखिए कितना ज्यादा पड़ा है, जहाँ पे राशन रखा करती हूँ वहां पे, फिर ऊपर दीवार में भी चढ़ रहा है। अगर कान वगैरह में घुस गया ना तो फिर तो रोते दिन बिता देगी हमारी छोटी, या फिर हम लोगों का में भी घुस जाएगा कान में, तो फिर बहुत ज्यादा मतलब मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देख रहे हैं कितना ज्यादा यहाँ, देखिए ये क्या कह रहे हैं, चींटी जो है अपना अंडा क्या वो पकड़ा हुआ है, वो ढो रहा है शायद, कहीं लेके जा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उधर तक है पूरा, देख रहे हैं पूरा लाइन लगा पड़ा है उधर पूरा, क्या ही बोले। कैसे करेगी छोटी, देखो इधर नहीं मारो ना काटेगा नहीं तो, पूरा का पूरा देख रहे हैं इधर पूरा आ जा रहा है। कहीं कहीं पे बड़ा बड़ा है देख रहे हैं, कहीं का छोटा है, समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, इसको भगाएं कैसे। एकदम छोटा छोटा भी है और बड़ा बड़ा भी है, देख रहे हैं दो जगह यहाँ पे खोद दिया, बिल बना दिया, देख रहे हैं दो जगह पे है यहाँ, उसमें घुस रहा है निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा है करें क्या, इसको भगाएं कैसे। हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं हम लोग। उसी टाइम से इसको ना उधर इधर करेंगे तो फिर पूरा घर में बगर मतलब फैल जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कर रहे थे, शांत रहने दे रहे थे। लेकिन ये तो भग नहीं रहा है, भगने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, अब क्या करें। उधर पूरा सोते हैं वहां तक चला गया है यहाँ से, देखते हैं कुछ करके कैसे भगाएं। देखिए इधर भी है, उधर तो था ही था, उसके बाद में देख रहे हैं पूरा किनारे किनारे पूरी तरह से फैल गया है, देख रहे हैं पूरा दीवार में भी, फिर क्या बोलते हैं नीचे भी देख सकते हैं एकदम पूरा। और जो है मेरा किचन साइड वो पूरा भर गया है चूल्हे पर, ये देखिए पूरा। अब मैं करूँ क्या इसका, इसको भगाऊँ कैसे समझ नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा मतलब छोटा छोटा है, एकदम बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन कान उनमें घुस जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। देख रहे हैं जब मेरा घर सीलन होता है ना तो ऐसे ही मतलब चींटी घुस आते हैं, और देखिए छोटा छोटा छेद कर दिया है देख रहे हैं, और इसी में ये लोग घुसता है निकलता है। अभी तो कम है, कुछ दिन जाते जाते देखिएगा पूरा किनारे किनारे छेद हो जाता है पूरा, जितना सीलन रहता है ना सब में। यहाँ पर भी देखिए यहाँ तीन है, यहाँ पे दो, यहाँ एक, क्या ही बताऊँ, ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। ये घर नहीं, ये क्या बोलते हैं कबाड़ी है मेरा, कहीं कच्चा कचरा फेंकने वाला।
वो रहता है ना, गंदा गंदा को फेंक देते हैं तो पूरा चींटी भरा रहता है, इस टाइप से लग रहा है। देख रहे हैं ये, यहाँ पे ना सब्जी को रखे हुए थे तो मैं सब्जी को इधर हटा दी हूँ अभी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा चींटी पहुंच गए थे तो सब्जी में घुस जाता है, इसीलिए उसको उधर कर दी हूँ यहाँ से। और देखिए इतना प्यारा हमारा चूल्हा दिख रहा है, लेकिन ये चींटी देखिए कितना ज्यादा आ गया है, कुछ गंदगी रखे हैं जैसे, पता नहीं आज क्या होगा, रात में कैसे सो पाएंगे हम लोग। देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है लगा है एकदम किनारे किनारे, इधर खाट तरफ भी है, लेकिन इस खाट में हम लोग नहीं सोते हैं, जमीन पर ही सोते हैं। रात में भी ठीक से सो नहीं पाए इसी चींटी की वजह से। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत, तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों इसी के साथ जो है हम अपना ब्लॉग जो है वो समाप्त करने वाले हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो जाते जाते एक लाइक और जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत हमारा भी हेल्प हो सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।